हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई फेथ गुरु चेला सो माई डियर बी ऑनर्स पोलिटिकल साइंस सिक्स सेमेस्टर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जो एग्ज़मिनेशन हैं वो स्टार्ट होने जा रहे हैं एलेवेंथ ऑफ मे टू के ट्वेंटी थ्री से एंड आप लोगों का जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है वो है आप लोगों के फर्स्ट कोर पेपर विच इज़ मॉडर्न पोलिटिकल फलॉसफ़ी सो डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों को बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू डियर स्टूडेंट्स आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कुछ ऐसे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड कुछ ऐसे क्वेश्चनस भी जो कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं सो so आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं डिस्कस करते हैं उन तमाम क्वेश्चंस को जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को टिल एंड जो हैं जरूर देखें एंड जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को बताए जाएं उन क्वेश्चंस को आंसर देने का प्रयास जरूर करें डियर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो है ये डी रेगुलर डी यू एस यू एल एंड एन सी वेब तीनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सो so आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स बिगेन स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल आइए देख लेते हैं कि आखिरकार क्या है आप लोगों का मॉडर्न पोलिटिकल फिलोसफी पर सी बी सी एस सिलेबस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को इस पेपर में केवल फोर यूनिट्स कवर करनी है जिसमें सिक्स डिफरेंट पोलिटिकल थिंकर्स की जो फ़िलासफ़ी है वो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है डियर स्टूडेंट्स यूनिट वन है मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्स इसके अंदर आपको कांत ऑन मॉडर्निटी, फेथ ऑन रीज़न अंडरस्टैंडिंग नेचर्स नेचर ये सभी टॉपिक्स आप लोगों को इसके अंदर कवर करने हैं थीम वाइज जब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तब हम ब्रीफली सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताएंगे सो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है वो है रोमेंटिक्स जिसमें आपको रोमांटिक्स जो फिलोसोफर हैं उनकी जो फिलोसफी है वो आपको कवर करनी है जिसमें सबसे पहला नाम आता है जीन जैकेस रूसो का दैन उसके बाद आता है मैरी वॉलस्टॉन क्राफ्ट का तो ये दो पॉलिटिकल जो फिलोसोफर हैं इनकी फिलोसफी को आप लोगों को इस यूनिट के अंदर कवर करना है जीन जैकेस रूसो के जो आपको थाट्स कवर करने हैं वो है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी स्टेट ऑफ नेचर यानी कि किस प्रकार जो नोवेल सेवेज है उसका इवोल्यूशन हुआ है एंड जो सोसाइटी है उसको किसके द्वारा एंड किसने जो है करैप्ट किया है ये आप इसके अंदर पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ इनक्वलिटी जो इनलिटी है उसका ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ है कैसे हुआ है देन इसके बाद जो जनरल विल का कंसेप्ट है जो कि जनरल विल की थ्योरी है काफ़ी फेमस थ्योरी है जीन जैकेस रूसो की वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है इसके बाद जो उनके विचार हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर एंड जो सेल्फ़ गवर्नमेंट है उस पर ये सभी टॉपिक्स जो हैं आपको जीन जैकिस रूसो की फिलोसफ़ी के अंदर कवर करनी है देन इसके बाद जो आप लोगों की मेरीवर्न स्टॉन्ड क्राफ्ट है उसके अंदर आपको जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है विमेन एंड पेट्रलिज़म देन इसके बाद जो जो क्रिटिक ऑफ रूसोज आइडिया ऑफ़ एजुकेशन है वो आप लोगों को डिस्कस करना है एंड प्रपोज्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो कि उन्होंने रिफ़ॉर्म्स दिए एजुकेशन में वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं लीगल राइट्स एंड रिप्रेजेंटेशन भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करनी है देन इसके बाद आती है आप लोगों की थर्ड यूनिट जिसके अंदर आपको लिबरल सोशलिस्ट यानी कि एक ही पोलिटिकल फिलोसफर को यहाँ पर कवर करना है जो कि है जॉन स्टुअर्ट मिल यानी कि जे एस मिल की जो फ़लॉसफ़ी है जो उनके थॉट्स हैं जो उनके विचार हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं मिल्स हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आप लोगों को कवर करनी है डिफरेंस विद अदर यूटिलिटेरियन यानी कि जेरेमी बैथम के साथ जो उनका कम्पेरिजन देखा जाता है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है लिबर्टी सफरेज एंड चेंज इन डेमोक्रेसी राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ सब्जेक्शन ऑफ विमेन ये तमाम टॉपिक्स आप लोगों को लिबरल सोशलिस्ट यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल के जो फलोसफी के थॉट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं देन इसके बाद है आप लोगों की सेकंड लास्ट यूनिट जो कि है यूनिट फोर जिसके अंदर आप लोगों को रेडिकल्स फिलोसोफर की जो थ्योरी है जो फलॉसफ़ी है वो आप लोगों को कवर करनी है जिसमें सबसे पहले नाम आता है हीगल का देन उसके बाद कार्ल मार्क्स हीगल का जो आप लोगों को कंसेप्ट जो क्लियर करना है जो आप लोगों को कवर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए वो है सबसे पहला इथिकल लाइफ जिसमें आपको फैमिली सिविल सोसाइटी एंड स्टेट इन तीनों चीज़ों के बारे में बेहतर प्रकार से समझना है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि सिविल सोसाइटी के ऊपर हमने एक जो वीडियो सीरीज़ है वो हमने अपलोड की हुई है आप चैनल पर जाकर जो हैं चेक कर सकते हैं जहाँ पर हमने सबसे पहले बताया है कि सिविल सोसाइटी है क्या उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस किया है देन उसके बाद हीगल एंड कार्ल मार्क्स के द्वारा जो सिविल सोसाइटी है वो क्या है किस प्रकार उन्होंने डिस्क्राइब करी है ये सभी हमने वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किया है लगभग एक घंटे के आसपास की वीडियो हैं आप उसको ज़रूर देखें ताकि आप लोग जो थीकल लाइफ है जो कि कार्ल मार्क्स की जो सिविल सिविल सोसाइटी के ऊपर जो थाट्स हैं उनसे आप रूबरू हो पाएँ देन इसके बाद

यूनिट्स हैं लेकिन आप लोगों को यहां पर सिक्स पॉलिटिकल फिलोसफर्स की फिलासफी को बेहतर तरीके से कवर करना है एंड डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर के अंदर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो एट होने वाले हैं जिनमें से कोई फोर क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने होंगे सो so, ऐसे में आप कोई भी एक या दो यूनिट को जो है स्किप कर सकते हैं लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यूनिट टू यूनिट फोर बेहतर तरीके से कवर कर कर जाएँ ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो आइए अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड देखते हैं ब्रीफली आप लोगों के इस सिलेबस को सो डी यर स्टूडेंट्स लेट्स बिगेन एंड आई ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं आप लोगों की वेरी फर्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट वन मॉटर्निटी एंड इट्स डिसकोर्सिस में से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ़र्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि आखिरकार क्या है मॉडर्निटी एंड क्या है डिसकोर्सिज़ एंड ओवरऑल इसके अंदर से किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन में सो डर स्टूडेंट्स एज फार एज़ आई नो जहाँ तक मुझे पता है कि जो मॉडर्न है वो सिम्बलाइज करता है रिसेंटनेस को करंट को जस्ट नाव को या फिर आप कह सकते हैं इन रीसेंट मेमोरी को ये जो मॉडर्न वर्ड है या फिर आप कह सकते हैं कि जो मॉडर्निटी है ये जो है आई है लेटिन वर्ड मॉडर्नस से जिसका मायने है जस्ट रिसेंटली तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बींग मॉडर्न एम्प्लाइज ब्रेक फ्रॉम द पास्ट अप टू डेट या फिर आप कह सकते हैं करंट वाइल ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें जो डिस्कोर्स वर्ड है इसका क्या मतलब है सो so ये जो है काफ़ी सारी मीनिंग्स को जो है लेता है इसके काफ़ी ज़्यादा जो connotations है क्लोटेशन हैं लेकिन हमारे पर्पज से देखा जाए तो इसका मायने है कि कैसे एक वर्ड जो है जैसे कि वर्ड हमने लिया मॉडर्निटी ये जो वर्ड है ये कैसे देता है एक स्पेसिफिक मीनिंग बाय यूज ऑफ लैंग्वेज साइन सिंबल एंड मैन्युफैक्चरिंग जनरल कंसेंट अबाउट द मीनिंग एंड कहीं ना कहीं हम कैसे इस वर्ड को जो अंडरस्टैंड कर पाते हैं यही होता है डिस्कोर्स ये जो है एक क्लेम है अबाउट द मीनिंग ऑफ सर्टेन वर्ड नॉट सिंपली डिस्क्राइबिंग इट्स मीनिंग इट्स आप कह सकते हैं प्रिस्क्रिप्टिव टर्म है आप इसको मान सकते हैं एंड देखिए अगर हम बात करें डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी की तो ओवरऑल इसके जो मायने निकल कर आते हैं वो यही है कि द वे मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड बाय वेस्टर्न फलॉसफर्स बाय यूजिंग सर्टेन लिंग्वास्टिक एंड कम्युनिकेटिव डिवाइसेस सो ओवरऑल इसके अंदर आप लोगों को कांत के जो विचार हैं मॉडर्निटी को लेकर वो आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं एंड जो फेथ ऑन रीजन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है एंड किस प्रकार नेचर को जो है उसका जो नेचर है उसको किस प्रकार हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं ये ओवरऑल टॉपिक्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स डियर स्टूडेंट्स एक फैक्ट है जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंगली बात है कि जब ये फर्स्ट टाइम सिक्सटीन सेंचुरी में ये जो मॉडर्न है ये यूज किया गया तो इसको हमने नेगेटिव नेगेटिव कनोटेशन के साथ देखा यानी कि सम वन डिफरेंट नॉट कन्फर्मिंग टू एस्टेब्लिस्ड ट्रेडिशन कॉलिंग सम वन मॉडर्न वुड बी ऑफेंडिंग अगर कोई भी उस टाइम में कहता था सिक्सथीन सेंचुरी में कि हम मॉडर्न हैं तो उनको कहीं ना कहीं ऑफेंड जो है किया जाता था ओनली आफ्टर फ्यू सेंचुरीज इट एक्वायर्ड पॉजिटिव कॉनिटेशन लेकिन कुछ ही सेंचुरीज़ के बाद इसने अपना जो नेगेटिव कॉनटेशन थी उसको पॉजिटिव कॉन्टेशन में जो है चेंज कर लिया एंड जो डिस्कोर्स है यानी जो नेरेटिव है मॉडर्निटी पर वो इट्स सेल्फ चेंज इन मॉडर्न पीरियड अगर हम बात करें पॉलिटिकल फ़िलोसफी में तो जो मॉडर्निटी है वो इम्प्लाई करता है जो भी नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं जैसे कि इंडिविजुअलिज्म ह्यूमनिज़म सेकुलरिज़म प्राइमेसी टू साइंस रीज़न रेशनलिटी क्रिटिकल थिंकिंग इन सभी को जो है ये इम्प्लाई करता है एंड इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड मेटेरियलिज़म इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो नॉर्मेटिव पोलिटिकल वैल्यूज़ हैं जो कि जस्टिस है लिबर्टी है इक्वलिटी है राइट्स हैं ये ये सभी के सभी जो हैं कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं मॉडर्निटी से ठीक है डियर स्टूडेंट्स सो आइए अब देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो देखिए क्वेश्चन नंबर वन है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड टू वार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी इन द वेस्ट कुछ ऐसे वेरियस फैक्टर्स आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं जिनका काफ़ी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है टू वार्ड्स फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्निटी इन द वेस्ट सो so, देखिए इसके अंदर आप जो डिस्कस कर सकते हैं डिस्क्राइब कर सकते हैं ब्रीफली वो है सबसे पहले आता है आप लोगों का रिनानसे मूवमेंट जो रिनानसे था वो रीअवेक्निंग था इन आर्ट्स क्राफ्ट लिटरेचर थिंकिंग एटीट्यूड बाय रिनावेटिंग क्लासिकल एनशियट ग्रीक और रोमन नॉलेज ये जो है इटली के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है विच वॉज इट सेंटर यानी कि इटली जो है इसके सेंटर में था ड्यूरिंग फोर्टीन एंड फिफ्टीन सेंचुरी एंड सिक्सटींथ एंड सेवनटींथ इन द रेस्ट ऑफ द यूरोप इसकी जो है शुरुआत होती है सो so, इसके बाद आप लोग इसके अंदर इसके, इसके अंदर जो सेकंड पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं जिसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है वो है प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऐसा रिवोल्यूशन डेट टुक प्लेस इन द वेस्टर्न चर्च इन द दिक्कसटीन सेंचुरी ये जो था ग्रेटेस्ट लीडर्स वर मार्टिन लूथर एंड जॉन कैलविन के अंडर लीडरशिप में जो है इसकी शुरुआत होती है एंड ये जो मोमेंट है ये हेल्प करता है कि सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट सेकुलराइजेशन की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर एंड थॉट्स बेस्ड ऑन रीज़न एंड रैशनलिटी की यहाँ पर बात की जाती है देन इसके बाद आता है आप लोगों का नेक्स्ट जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसने रिप्लेस कर दिया कॉमन सेंस को बाय एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग बिकेम द मोटो विच बिकेम इंटीग्रल फीचर ऑफ द मोडर्निटी यानी कि रेशनलिटी यानी कि रेशनल थिंकिंग पर यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया जाने लगा लगभग सिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी साइंस हैड रिप्लेसड क्रिस्चनिटी एज द पॉइंट ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन आप यहाँ पर बात कर सकते हैं देन इसके बाद आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं अब आप आपका जो, जो आपका जो यूनिट में गिवन है विच इज़ इन्लाइटनमेंट इलाइटनमेंट जो मोवमेंट था वो यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मोमेंट था जो कि लगभग एटीन सेंचुरीज़ के अंदर जो है इसका स्टार्टिंग होती है रफली देखा जाए तो सेवनटीन ट्वेंटी फाइव टू सेवनटीन सेवेंटी फाइव आप देख सकते हैं इसका जो सेंटर था वो था पेरिस फ्रांस इसमें जो आइडियाज़ थे जो कि कंसर्न करते थे गॉड रिलीजन पॉलिटिक्स रीजन नेचर एंड ह्यूमिनिटी एक्सेट्रा वर सिंथिसाइज इन एंटायरली न्यू वे इनको बिल्कुल नए ढंग से जो है गढ़ा जाने लगा एंड ब्रेकिंग फ्रॉम द पास्ट इनको आप कह सकते हैं ड्यूरिंग द एलाइटनमेंट पीरियड इसने जो है एक फ्रेमवर्क दिया नए नए आइडियाज़ का अबाउट मैन सोसाइटी एंड नेचर जो कि चैलेंज होते हैं एग्जिस्टिंग कंसेप्शन रूटेड इन द ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू एंड ये जो है कहीं ना कहीं डोमिनेट हुआ करते थे रिलीजन से सो so, ओवरऑल इसके अंदर आप ये जो कंट्रीब्यूशन्स रहे हैं ये मैंशन कर सकते हैं इन द लास्ट आप जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की या इसके अंदर जो है मैं ऐड ऑन कर सकते हैं फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन भी आप इसके अंदर मैंशन कर सकते हैं सो so, इस प्रकार के रेवोल्यूशनस को आप यहाँ पर मैंशन करें एंड जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो ब्रीफली आप इसके अंदर डिस्कस करें देन इसके बाद आता है आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज राइट अ क्रिटिकल एस ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इनलाइटनमेंट ट्रेडिशंस टू मॉडर्न पोलिटिकल फिलोसफी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर भी आपको वही जो कंट्रीब्यूशंस रहे हैं वो आपको ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करने हैं जो आप लोगों को याद रखना है कि आंसर लिखते टाइम सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है देन उसके बाद जो है आप लोगों को ब्रीफली जो है डिस्कस करनी है जो भी आपने इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स मैंशन किए हैं दैन उसके बाद जो क्रिटिकल थिंकिंग है जो क्रिटिसिजम है वो भी आपको मैंशन करने हैं एंड इन द एंड कंक्लूजन के साथ आपको अपना आंसर जो है जो है आप लोगों को कवर करना है ठीक है डियर स्टूडेंट्स दैन इसके बाद है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्निटी जो मॉडर्निटी का कन्सेप्ट है वो क्या है ये आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करना होगा जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि मॉडर्निटी जो है वो एक लेटिन वर्ड मॉडर्न से आया है जिसका मतलब आप कह सकते हैं जस्ट रिसेंटली एंड किस प्रकार इसको हम बेहतर तरीके से डिफाइन कर पाते हैं ये आपको इसको अंदर डिस डिस्कस करना है एंड ये किस प्रकार इन्फ्लुएंस्ड हुआ इन्वाइटनमेंट ट्रेडिशन से ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं जस्टिस है लिबर्टी है इक्वलिटी है, है ये कहीं ना कहीं लिंकड है मॉडर्निटी से तो आप कह सकते हैं कि मॉडर्निटी से ये जो हैं नॉर्मेटिव वैल्यूज़ आए हैं उभर कर ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने चाहिए देन अगर हम बात करें कुछ इसके फ़ीचर्स की भी तो इसके काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस जो हैं करने चाहिए जैसे कि आप इसके अंदर बात करें तो इसकी जो फ़ीचर्स हैं वो सबसे पहले है इंडिविजुअलिज्म ठीक है इंडिविजुअल individual, जो इंडिविजुअलिज्म है इसके अंदर हम इंडिविजुअल हैविंग एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि उसकी जो है एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी है अपनी बॉडी पर अपने माइंड पर अपने पजेशंस पर फ्री विल है कि हर एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमस सेल्फ आपकी बात करते हैं दैन इसके बाद आप लोग यहाँ पर ह्यूमनिज़म की बात करते हैं यानि कि ह्यूमन एजेंसी जो कि इन्फॉर्म्ड होती है इनलाइटन सेल्फ नॉलेज से एंड कैन मास्टर बॉथ नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड देन इसके बाद हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की जहाँ पर हम रिलीजन की नहीं रीजन की बात करते हैं रीजन एज द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचुरल एंड सोशल फिनमिना देन इसके बाद हम प्राइमेसी टू साइंस रीज़न रेशनलिटी क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं जहाँ पर हम इन द प्लेस ऑफ रिलीजियस डोगमा सुपरस्टिशंस रिचुअलिज्म या फिर आप कह सकते हैं फेटलिज़म के बेसिस पर हम प्राइमेसी करते हैं साइंस को रीज़न को रैशनलिटी को क्रिटिकल थिंकिंग को देन यहाँ पर मेट्रलिज़म की भी बात कर सकते हैं ठीक है जहाँ पर हम जो है, जो है है अर्बनाइजेशन उसकी भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं ये जो प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट हम देखते हैं आज के टाइम में ये भी कहीं ना कहीं मॉडर्निटी से लिंक करती है एंड यूनिवर्सल नॉर्मेटिव पोलिटिकल वैल्यूज जस्टिस लिबर्टी राइट्स की हम बात करते हैं तो ये ओवरऑल हम बात करते हैं मॉडर्निटी की सो so इस प्रकार आप मॉडर्निटी को यहाँ पर बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसके बाद आता है आप लोगों का ने क्वेश्चन नंबर फोर क्रिटिकली एनालाइज द डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्लाइटनमेंट ट्रडिशन ऑन मॉडर्न पोलिटिकल फिलोसफी वही आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि आखिरकार क्या है डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी एंड किस प्रकार इम्पैक्ट पड़ा एनलाइटनमेंट ट्रेडिशन का मॉडर्न पॉलिटिकल फिलासफी पर देन इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फाइव वट वॉज द एनलाइटनमेंट मूवमेंट इन्लाइटनमेंट मूवमेंट था क्या एंड हाउ इट कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न पोलिटिकल फिलोसफी सो देखिए डियर स्टूडेंट्स आप ध्यान लगाकर यही समझें कि ऑलमोस्ट एवरी थिंग एसोसिएटेड विद मॉडर्निटी एज स्टेटेड अबव वर एसोसिएटेड एंड केम आउट फ्रॉम द इन्वाइटरमेंट मूवमेंट हर एक चीज लगभग जो है वो कहाँ से निकल कर आई है मॉडर्निटी से एंड आप देख सकते हैं कि जो डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी है डेट इज हाउ नेरेटिव ऑन मॉडर्निटी वॉज बिल्ड हाउ द आइडिया ऑफ मॉडर्निटी वॉज डेवलप्ड बाई यूजिंग लैंग्वेज हैज़ डिस्टिंग इम्परिंट ऑफ एनवाइटर्मेंट ट्रेडिशंस ये जो पैराडाइम है मॉडर्निटी का ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होता है इन्वाटनमेंट ट्रेडिशन से एंड जो भी हम बात करते हैं प्राइमेसी टू तो साइंस की रीजन की रेशनलिटी की क्रिटिकल थिंकिंग की

The next hey, enlightenment is man's emergence from his self-in-accord tutelage. Explain the statement in the context of Kant's view of enlightenment. सो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को इनलाइटलमेंट जो है डिस्कस करना है जैन देन उसके बाद जो कांत के जो व्यू पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर शेयर करने हैं तो देखिए जो इन्लाइटलमेंट है वो एक यूरोपियन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था जो कि एटीन सेंचुरी के आसपास जो है इसकी स्टार्टिंग होती है एंड इसका सेंटर था पेरिस फ्रांस इसके अंदर जो आइडियाज़ थे जो कि कंसर्न करते थे गॉड रिलीजन पॉलिटिक्स सोसाइटी रीज़न नेचर एंड ह्यूमिनिटी एंड सो ऑन ये जो आइडियाज़ थे इनको सिंथिसाइज़ करा जाता है एंटायरली न्यू वे ब्रेकिंग फ्रॉम द पास्ट आप यहाँ पर कह सकते हैं एंड जो इनोज़ जो फ्रेमवर्क था आइडियाज़ का अबाउट इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेचर एंड साइंस विच चैलेंज एग्जस्टिंग कंसेप्शन रूटेड इन ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यू इसने जो है जो एग्जिस्ट करते थे जो आइडियाज़ उनको जो इसने चैलेंज करा एंड डोमिनेट करा गया जो कि रिलीजन के द्वारा था उनको जो इसने चैलेंज किया ड्यूरिंग द फेडल सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड जो एटलमेंट मूवमेंट है वो लेड हुआ था इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा फ्री थिंकर्स के द्वारा जिन्होंने अपना आपको जो है फ़िलासफी आप कह सकते हैं फ़िलासफ़र्स जो है इन्होंने कहा यानी कि फ्रेंच में आप कह सकते हैं एंड फ़िलासफ़र्स भी इनको कहा गया ठीक है एंड कुछ प्रोमिनेंट एमंग अगर हम बात करें इन्टरमेंट फिलासफ़र्स की तो जैसे कि बार्डन डे मॉन्टेस्क वल्टायर रूसो ऑल फ्रॉम फ्रांस डेविड ह्यूम एंड एडम इनकी बात करें तो ये दोनों थे स्कॉटलैंड से मैरी वर्ल्ड क्राफ्ट की बात करें तो ये थे इंग्लैंड से इमैनुअल कांत जो थे वो जर्मन से थे एंड पॉलिटिकल थाट्स जो थे हॉब्स के लॉक के एंड जो फ़िलासफी थी रैने डेकार्टे की साइंटिफिक डिस्कोर्स थे न्यूटन के जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे थाट्स इनलाइटनमेंट फिलासफर्स के वो सभी के सभी इसके अंदर हम कवर करते हैं इन को जो है कंसिडर करा जाता है एज द लाइट ऑफ रीजन ये जो है शाइनिंग ब्राइटली इंटू ऑल द डार्क रिजेस ऑफ इग्नोरेंस सुपरस्टिशंस प्री एंड इंटोलरेंस ऑफ द प्री मॉडर्न पीरियड की हम बात करते हैं अगर हम बात करें कि आखिरकार कांत के क्या व्यू पॉइंट थे लाइटलमेंट को लेकर जो कि आप लोगों को यहाँ पर पूछा भी गया है सो so देखिए उनके द्वारा जो मतलब दिया गया है लाइटलमेंट का वो यही था कि इन एन एस से इन सेवनटीन एटी फोर इमेन कान्त द ग्रेट जर्मन पोलिटिकल फलॉसफर एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इलाइटलमेंट थिंकर करते हैं मीनिंग एनलाइटलमेंट का इस प्रकार की जो इन्लाइटलमेंट है वो एक मैंस इमरजेंस है फ्राम हिज सेल्फ इम्पोज इम मेच्योरिटी इम मेच्योरिटी अगर हम बात करें तो ये जो है इन एबिलिटी है टू यूज़ वंस अंडरस्टैंडिंग यूजिंग इन टेट सेंस ऑफ रीजन विदाउट गाइडेंस फ्राम अदर ये जो है सेपरेदे की बात करते हैं जर्मन मीनिंग जो है इसका वो है डे टू नो हैेज टू यूज़ यूअर ऑन अंडरस्टैंडिंग की ये बात करते हैं इनका मोटो था एनलाइटलमेंट का इनका मतलब था कि एक्टिंग इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ रिजन डिसीजंस एंड करेज टू ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वंस एक्शन इलाइटनमेंट जो था वो एक इंडिविजुअल रियलाइजिंग ज़ हर पोन्टेंशियल था जिसके थो थो था इस, तो आप थ्रो द यूज़ ऑफ हिज हर माइंड एंड इनहेरेंट सेंस ऑफ रीज़न एंड रेशनलिटी तो ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर कांत के व्यू पॉइंट को डिस्क्राइब करना है इलाइटन जो है वो एम्प्लाई करता है फ्रीडम टू यूज़ रीज़न पब्लिकली इन ऑल मैटर्स ऑफ सोशल लाइफ जो कंट्रीब्यूशन्स रहा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं सो so, इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लगभग एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर इस यूनिट के अंदर से पूछा जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप पहले ही तैयार कर कर रखें कि आखिरकार क्या फ़ीचर्स हैं क्या कैरेटिस्टिक्स हैं कौन कौन से कंट्रीब्यूशन्स रहे हैं एंड एनलाइटनमेंट क्या था एंड उसमें कान के क्या व्यू पॉइंट थे एंड सो ऑन सो so, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर आंसर देने चाहिए इन लोगों की प्रैक्टिस ज़रूर करें इन्हीं में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे अपने क्वेश्चन पेपर में सो डियर स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट टू जिसके अंदर आपको रोमांटिक्स फ़िलासफ़र के थॉट्स को कवर करना है सबसे पहले आप लोगों को कवर करना है मोस्ट फेमस पॉलिटिकल फिलासफ़र जीन जैकेस रूसो के थॉट्स को जहां पर आप लोगों को कवर करना है कि आखिरकार क्या है क्रिटिक ऑफ मॉडर्निटी ये किस प्रकार मॉडर्निटी को क्रिटिक करते हैं स्टेट ऑफ नेचर क्या है किस प्रकार नोवल्स और जो सहवेज है उसका इवोल्यूशन होता है कैसे एंड किस प्रकार जो है सोसाइटी को करैप्ट जो है किया जाता है किस प्रकार इनकोलिटी का जो है ओरिजिन होता है जनरल विल की जो थ्योरी है वो क्या है किस प्रकार जनरल विल जो है समाज के अंदर आती है एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नमेंट क्या है क्या इनके ऊपर इनके व्यू पॉइंट्स हैं ये ओवरऑल यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस करना है सो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि जीन जैकेस रूसो जो थे इनका जन्म हुआ है जेनेवा में स्विट्ज़रलैंड में एज अ सन ऑफ वॉच मेकर इनकी जो मदर थी उनकी मृत्यु हो गई थी इन द कम ऑफ हिज बर्थ एंड दिस मेड हिज चाइल्ड हुड लॉन्ली एंड रिलेशन बिट एस्ट्रेंज विद हिज फादर अगर हम बात करें इनकी शुरुआत कैसे होती है फलासफी की सो so, देखिए 1742 में क्या होता है कि ये पेरिस मूव कर जाते हैं एंड वाइडली ट्रेवल्ड करते हैं एंड रीड करते हैं बट नॉट फॉर्मली एजुकेटेड मैन इन्होंने कहीं स्कूल में जाकर यूनिवर्सिटी में जाकर कोई एजुकेशन जो है फॉर्मली नहीं प्राप्त करी थी ठीक है एंड देयर ही बिकेम पार्ट ऑफ द इलाइटनमेंट ये जो है इन्लाइटनमेंट के कहीं ना कहीं पार्ट जो है बन जाते हैं एंड फलॉसफर्स का जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करते हैं जो कि आर्टिकल्स लिखा करते थे इंसाइक्लोपीडिया पर एंड डायड्रेट या फिर डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी पर इन्होंने जो है अपने आर्टिकल्स जो लिखने स्टार्ट करे एंड इनके जो दो फेमस ऐसे हैं जिन जिन्होंने इनकी जो लाइफ है पूरी तरह चेंज कर दी वो है पहला 1749 या 1750 के अंदर लिखा रिस्टोरेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट कंट्रीब्यूटि प्योरिफिकेशन ऑफ मॉरल्स का जो सेकेंड है वो है सेवनटीनिफ्टी फोर या सेवनटीन फिफ्टी फाइव में लिखा वट इज दिन ऑफ इन इक्वेलिटी एंड इज इट ऑथेंटिकेटेड बाई नेचर इस जो इनके दो जो ये आर्टिकल्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि डिस्कोर्स थे साइंस एंड आर्ट्स पर एंड ये डिस्कोर्स थे ऑरिजिन ऑफ इक्वेलिटी पर देन इसके बाद इनकी 1762 में जो है ये पब्लिश करते हैं एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेम ईयर जो है ये एमली एंड जो एजुकेशन जो है इनकी इस पर ये अपने विचार जो हैं पब्लिश करते हैं इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है द कन्फेंसियस ये जो है पब्लिश होती है आफ्टर हिज डेथ इन 1782 अगर हम बात करें इनके कुछ जिस्ट की इनके थॉट्स की जिस्ट की तो इनका जो ह्यूमन नेचर पर सबसे पहला जो व्यू पॉइंट रहे हैं वो इस प्रकार रहे हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो पॉजिटिव व्यू रखते हैं ह्यूमन नेचर पर ये कहते हैं कि मैन जो है नेचर के द्वारा जो है टू इमोशंस या फिर टू फीलिंग्स के साथ जो है आता है पहला है सेल्फ़ लव एंड दूसरा जो है वो है पिटी ठीक है सेल्फ लव एंड पिटी के बारे में ये बात करते हैं यानी कि कंपेसन फॉर अदर्स की ये बात करते हैं लेकिन ह्यूमन नेचर जो है वो करप्टेड है मॉडर्न सिविलाइजेशन से इसकी भी ये बात करते हैं मैन जो है वो रहता है एक नोबल सेवीज़ की तरह बिफोर द एडवेंचर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन जब तक मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं हुई तब तक जो मैन था वो कैसे रहा करता था एक नोबेल के नोबल सेवीज़ की तरह डिगर स्टूडेंट्स एंड ही लिव इन प्लेस विद हिमसेल्फ एंड अदर्स जहाँ पर अपने साथ रहता था दूसरों के साथ रहता था ना इधर एनिमिटी और फ्रेंडशिप ना ही किसी प्रकार की कोई दोस्ती थी ना ही किसी प्रकार की कोई दुश्मनी थी अगर हम बात करें स्टेट ऑफ नेचर की तो इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन जो है वो लीव करता है नोबेल सेविज की तरह प्री सोशल ह्यूमन लिविंग बिफोर इमरजेंस ऑफ सिविल सोसाइटी ये जो है बिल्कुल ए सोशल था एमॉरल था आइसोलेटेड था ठीक है मैन जो था वो रहता था खुद के साथ ही वॉज नॉट बॉर्डर्ड अबाउट वॉट अदर थिंग्स ऑफ हिम ये नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं एवरी वन वॉज जज ओनली फॉर हिमसेल्फ हर कोई अपने ऊपर जो है जज करता था एंड लाइफ इन स्टेट ऑफ नेचर वॉज फ्रेगुअल लेजी कंडेमडेड पीसफुल एंड आइसोलेटेड की ये बात करते हैं अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी किस प्रकार उन्होंने दी सो तो इज इन्होंने इन्होंने कहा कि पीपल एज़ इक्वल एंटर्ड इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स एंड विल ऑल टू फॉर्म कम्युनिटी लोग जो हैं एंटर करेंगे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने में एंड वो जो हैं फॉर्म करेंगे कम्युनिटी रिपब्लिक और बॉडी पॉलिटिक या फिर पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात करते हैं इंडिविजुअल्स जो हैं वो सब कर देंगे मर्ज कर देंगे अपनी पावर्स को राइट्स को पजेशंस को आइडेंटिटी को कम्युनिटी में एंड बिकेम इट्स इंडिविजिबल पार्ट लेकिन वो गेन करेंगे एक कॉमन फोर्स फॉर प्रोटेक्शन इक्वल एंड सिटीजनशिप सोवरेनिटी सिविल लिबर्टी मॉरल फ्रीडम आइडेंटिटी एंड फॉरम फॉर जस्ट एंड मॉरल एक्ट जो कम्युनिटी है एंड जो उसका हर एक मेंबर है वो डायरेक्टेड होगा जनरल विल से जनरल विल क्या है एक कॉमन गुड से ठीक है बाय ओब लॉज अपने जो लॉज हैं जो उन्होंने खुद ने बनाए हैं उनको वो ओबे करेंगे एंड जो कि उन्होंने खुद ने बनाए हैं जो फ्लो करते हैं इस जनरल विल से एंड मेंबर्स आर ओबेंग देम एज दे गेव दैम सेल्व दोज लॉज विच आर जस्ट मॉरल एंड सर्व कॉमन गुड दे गेन मॉरल फ्रीडम सो so, इस प्रकार की बात करते हैं नेचर ऑफ गवर्नमेंट की ये बात करते हैं पॉलिटिकल ऑब्लीगेशन की बात करते हैं ये बात करते हैं पॉपुलर सोवरेनिटी की डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं इनके जो आइडिया हैं पॉपुलर सोवरेनिटी पर कम्युनिटी पर इट्स सेल्फ मेकिंग लॉ बाय फॉलोइंग जनरल विल इंडिकेट करता है सपोर्ट फॉर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेल्फ गवर्नेंस एंड इनको जो है किसी इन्होंने 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 जो है सॉरी इनको जो है काफ़ी तरीके से जो है क्रिटिकली जो है देखा जाता है क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है इनके थॉट्स को एंड ओवरऑल जो इनका इंपैक्ट पड़ा है पॉलिटिकल थॉट्स पर वो भी आप लोगों को कहाँ पर डिस्कस करना है इनके जो थॉट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी थे इनके जो आइडियाज़ थे वो इन्फ्लुंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा एंड uh, इनके जो आइडियाज़ हैं वो अगेंस्ट थे इन्लाइटनमेंट स्प्रिट के एंड क्लासिकल लिबरलिज्म के इनके जो आइडिया है जनरल विल का वो एक देता है राइज ऑफ आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी को एंड दिस वाज यूज्ड बाय द फासिस्ट एज वेल एज़ द टोटलीटेरियन स्टेट टू जस्टिफाई देअर रिजीम्स क्रिटिक भी इनको किया जाता है कि इनके जो आइडियाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा यूटोपिक हैं ठीक है एंड ये जो इनका आइडियाज़ हैं काफ़ी ज़्यादा वैग्यू है एंड एम्बिगस हैं कंसेप्ट जो है इनका जनरल विल का एंड इनके जो आइडिया है जनरल विल का वो लीड करता है कंसेप्शन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी विच वॉज मिसयूज फॉर सेटिंग अप टोटलीटेरियन रिजीम इनका जो आइडिया है होमोजीनियस कम्यूनिटी का एंड ऑर्गेनिक होल एंड ये जो है इंडिविजुअल्स के साथ भी कहीं ना कहीं इसको जो है अंडरमाइन करता है सो so, ओवरऑल ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये जो उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये ओवरऑल इसके अंदर आपको डिस्कस करना है आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ सो so, क्वेश्चंस इस प्रकार हैं कि रूसो आइडिया ऑफ जनरल विल हैज़ इंस्पायर्ड बॉथ डेमोक्रेट्स एंड ऑथोरिटेरियंस डू यू एग्री गिव रीजन्स यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो इनका रूसो का जो आइडिया ऑफ जनरल विल है ये इंस्पायर करता है डेमोक्रेट्स को भी अथॉरिटेरियंस को भी क्या आप इस बात से एग्री करते हैं सो देखिए डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बता दें कि इनका जो जनरल विल का कंसेप्ट था ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इनोवेटिव था एज़ वेल एज कंट्रोवर्शियल आइडिया था जो जनरल विल था वो रिप्रेजेंट करता था कलेक्टिव विल ऑफ़ अ सोवरन पॉलिटिकल कम्युनिटी ये जो है जस्ट मॉरल एंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए जो है बनाया गया था जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक प्राइवेट विल अपने ऊपर जो है रखते हैं सेल्फ इंटरेस्ट रखते हैं प्रिफ्रेंस रखते हैं बट सेम इंडिविजुअल एक्टिंग एज सिटीज़न विल अराइव एट जनरल विल विच विल बी इन द कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोट कॉमन गुड सो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को यहाँ पर जनरल विल का कंसेप्ट जो है सबसे पहले डिस्कस करना है उसके क्या फ़ीचर्स थे जैसे कि जनरल विल इज़ नॉट फॉर प्रमोटिंग द पार्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल बल्कि ये जो है प्रमोट करता था ग्रुप के आप कह सकते हैं ग्रुप के इंटरेस्ट को ये जो था एक कॉमन इंटरेस्ट को लेकर चलता था इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल ये जो था प्रमोट करता था कॉमन गुड को सो so, इस प्रकार के फीचर्स आप लोगों को कहाँ पर डिस्कस करने हैं देन इसके बाद आप लोगों को बताना है कि जनरल विल जो थी वो एक एग्रीगेशन नहीं था पार्टिकुलर का बल्कि ना ही प्राइवेट का प्राइवेट विल्स का कम्युनिटी के मेम्बर्स का ये जो था नाइडर बेस्ड था यूटिलिटी प्रिंसिपल पर ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेट नंबर्स पर ये जो था रिप्रजेंट था रियल विल पर ऑफ़ द कम्युनिटी वैन इट्स मेम्बर्स एक्ट एज सिटीजन एंड गाइडेड बाई देयर हायर सेल्फ एंड रियल विल सो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि जो जनरल विल है वो एक पोलिटिकल एक्सप्रेशन था नोबेल सवेज का ठीक है जो जनरल विल था वो रिप्रेजेंट करता था सोवरेनिटी को ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड यहाँ पर आप लोगों को जो क्रिटिक्स हैं जनरल विल की वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करनी है ठीक है डियर स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर क्रिटिक करते हुए आप लोगों को बताना है कि डेमोक्रेट्स एंड जो ऑथोरीटेरियंस थे वो किस प्रकार से इंस्पायर्ड थे द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल वही सेम रिपीटेड क्वेश्चन है आप लोगों को जनरल विल का जो थ्योरी है वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना है क्रिटिसिज्म भी आप लोगों को मेंशन करना चाहिए द नेक्स्ट है मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज डिस्कस द कोर्ट ऑफ द रूसो सो so, देखिए डिगर स्टूडेंट्स काफ़ी मोस्ट फेमस ये जो कोट है इसका जो मतलब है ये जो ओपनिंग सेंटेंस है रूसोज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का ये समराइज करता है हिज एंटायर फिलोसफिकल थाट्स को अबाउट नेचर एंड फेट ऑफ मैन यानी कि वीमेन एज वेल एज मैन इन मॉडर्न सोसाइटी ये जो कोर्ट है रूसो का ये रीअफर्म्स करता है व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है इन हिज टू डिस्कोर्स पहला जो डिस्कोर्स है वो है साइंस एंड आर्ट्स एंड सेकेंड डिस्कोर्स है ऑरिजिनलिटी ऑफ इनिक्वेलिटी इन दोनों ही डिस्कोर्स के अंदर रूसो जो हैं हेल्ड करते हैं आ व्यू डेट मॉडर्न सिविलाइजेशन दाइंस लिटरेचर सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हैव एक्चुअली करप्टेड एंड डीबेस्ड द नोबलिटी एंड प्योरिटी ऑफ ह्यूमन नेचर सो यहाँ पर जो है बात करते हैं कि मैन जो था जब जन्म लेता है तो वह फ्री होता है ठीक है एक इक्वल सोल होता है ठीक है ना ही वो रिच होता है ना ही वो पुअर होता है ना ही वो मैन होता है ना ही वो वुमेन होता है लेकिन हाँ सेक्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि मैन एंड वुमेन ना ही ये जो है मास्टर होता है ना ही स्लेव होता है ना ही ब्लैक ना ही वाइट बट एज ही ग्रोज जैसे जैसे वो ग्रो करता है गेन करता है अपने कॉन्शियसनेस को एंड फ्रेम करता है अपनी आइडेंटिटी को तो वो फील करने लगता है कि वो कहीं ना कहीं चेन ऑफ बॉन्डेज में कहीं ना पूरी जगह जो है बंधा हुआ है जो उसकी आइडेंटिटी है जो उसका स्टेटस है जो उसकी प्रिवलेज हैं जो राइट्स हैं वो एंटायर एग्जिस्टेंस जो करते हैं वो डिटर्माइन करे जाते हैं सोशल कन्वेंशनस के द्वारा अबाउट जेंडर कलर रेस रिलीजन लैंग्वेज एंड सो ऑन सो यहाँ पर इसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है थॉट ठीक है दैन इसके बाद है नेक्स्ट रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल इज अटेम्प्ट टू डिफ्रेंशिएट रियल विल्स फ्रॉम एक्चुअल विल्स एक्सप्लेन अब देखिए डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ विल की अगर हम बात करें तो देखिए रियल और ट्रू विल होती हैं एक्चुअल विल होती है ठीक है डियर स्टूडेंट्स जो रियल और ट्रू विल है वो क्या है विल ऑफ आर हायर सेल्फ विच इज रेशनल ऑथेंटिक वर्चुअस ट्रू सेल्फ आप कह सकते हैं ये जो है एग्जाम्पल्स की बात करें तो इफ़ इंस्टीड ऑफ वॉचिंग मूवी वन चूज़ टू रीड क्लासिक्स ही इज गाइडेड बाई हिज़ हायर सेल्फ एंड इन वोकिंग हिज़ रियल विल अगर कोई मूवी देखने की वजह चूज़ करे कि उसको कुछ क्लासिक्स जो हैं पढ़नी चाहिए कुछ पोलिटिकल थाट्स जो हैं पढ़ने चाहिए तो वो कहीं ना कहीं गाइडेड है अपने हायर सेल्फ से एंड इन वोकिंग है अपने रियल विल से ऑफकोर्स द आइडिया ऑफ रियल विल इज़ नॉर्मेटिव एंड वैल्यू लैंडम अगर हम एक्चुअल विल की बात करें तो एक्चुअल विल जो है वो है हमारी लोअर सेल्फ़ की विल जो कि काफ़ी ज़्यादा इरेशनल है इम्पलसिव है लस्टपुल है इम्पेरिकल है इम्पेरिकल बिलीफ एंड डिज़ायर पर ये बेस्ड है ये रिप्रेजेंट करती है इम्पेरिकल सेल्फ़ को चाहे कुछ भी हो ये जो है इमीडिएट करती है एंड बॉडली प्लेजर पर ये ज़्यादा फोकस करती है जो कि इंस्टेंटली जो हम चूज़ करते हैं इन डूइंग सो वी आर गाइडेड बाई आर लोअर सेल्फ एंड इन द एक्चुअल विल देन प्राइवेट और इंडिविजुअल विल भी होती है जो कि रिफ्लेक्ट करती है सेल्फ़ इंटरेस्ट ऑफ़ वन इंडिविजुअल और फर्म और एंटिटी एंड कॉपरेटिव विल भी है जो कि रिफ्लेक्ट होती है सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपरेटिव विल ऑफ़ फार्मर्स ग्रुप ग्रुप ऑफ़ ट्रेडर्स एंड सो ऑन देन उसके बाद आती है आप लोगों की जनरल विल जो कि रिप्रेजेंट करती है कलेक्टिव रियल विल को ऑफ अ पोलिटिकल कम्युनिटी ये जो है ऑलवेज़ राइट right की बात होती है यानी बिल्कुल सही होती है हर जगह जस्ट मॉरल एंड सर्व द कॉमन इंटरेस्ट एंड फॉर द पर्पज ऑफ कॉमन गुड की ये बात करती है देन इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि किस प्रकार जनरल विल जो है वो डिफ्रेंशिएट है रियल विल से फ्रॉम एक्चुअल विल ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो इस प्रकार इसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं दैन इसके बाद है कम्पेयर रूसोज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विद दोज ऑफ हॉब्स एंड लॉ अब देखिए यहाँ पर आपको जो थॉमस हॉब्स हैं जो जॉन लॉक हैं एंड जो रूसो हैं तीनों को कंपेयर करना है उनकी जो सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी है उसके बेसिस पर जहाँ पर आपको नेचर ऑफ़ मैन के पॉइंट्स के साथ कंपेयर करना है स्टेट ऑफ नेचर के साथ कंपेयर करना है सोशल कॉन्टेक्ट के बेसिस पर आपको कंपेयर करना है डेमोक्रेटिक स्प्रिट के नाम पर आप लोगों को यहाँ पर कंपेयर करना है दैन इसके बाद है क्रिटिकली एनालाइज रूसोज व्यूज़ अबाउट इनिक्वलिटी अब देखिए जो रूसोज के जो थॉट्स थे इनकवलिटी को लेकर वो किसके अंदर थे उनके ऐसे डिस्कोर्स ऑन द ऑरिजिन एंड बेसिस ऑफ इनिटी अमंग मैन के अंदर जो कि पब्लिश होता है 1755 में रूसो के लिए जो इनिटी है रिसोर्स के अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक इनक्वलिटी की बात करते हैं वो एक नेचुरल नहीं है बल्कि जो फ़ीचर्स हैं मॉडर्न सिविल सोसाइटी के वो ज़्यादा महत्व रखते हैं अगर हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करें तो नेचुरल फिजिकली इनक्वलिटी आप लोगों को कहीं ना कहीं मैटर नहीं करती है ये सबसे पहले बात करते हैं रूसो एंड फर्स्ट इट इन्वेंट आउट इन कम्बिनेशन ऑफ अदर नेचुरल टैलेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ओवरऑल इनिटी के बेसिस पर यहाँ पर डिस्कस करना है सो so, ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इन क्वेश्चन को आंसर देने का जरूर प्रयास करना चाहिए स्पेशली जो जनरल विल का कंसेप्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर बेहतर तरीके से कवर कर कर जाना चाहिए एंड लगभग एक क्वेश्चन जो है इसके अंदर से डेफिनेटली पूछा गया है हर एक साल जो भी जब भी आपके पेपर हुए हैं एंड लगभग एक शॉर्ट नोट जो है वो भी इसके अंदर से कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है सो so इस प्रकार के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दिस यूनिट सो नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आप लोगों की सेकेंड यूनिट्स जो रोमांटिक्स है उसके अंदर जो सेकेंड पोलिटिकल फिलासफर आप लोगों को कवर करना है वो है मैरी वर्ल्ड स्टोन क्राफ्ट जो मैरी वर्ल्ड स्टोन क्राफ्ट थी वो एक इंग्लिश इलाइटलमेंट एंड रोमांटिक मॉरल एंड पोलिटिकल थिंकर थी जो कि उनको कंसिडर करा जाता है एज अ मदर ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट ठीक है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो उनकी सेमिनाइल या फिर आप कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट क्रिएशंस हैं द नोवल विंडिकेशन ऑफ़ द राइट्स ऑफ विमेन जो कि पब्लिश हुई 1792 इसके अंदर से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है इसके अंदर आप लोगों को जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है विमेन एंड पैटर्निजम क्रिटिक ऑफ रूसोज आइडिया ऑफ एजुकेशन जो उनका आइडिया था एजुकेशन के ऊपर रूसो का वो किस प्रकार ये जो क्रिटिसाइज़ करती हैं एंड प्रपोज करती हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं जो लीगल राइट्स एंड जो रिप्रेजेंटेशन है उसके क्या ओपिनियंस हैं क्या व्यू पॉइंट्स हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं सो so, देखिए अगर हम इनके थाट्स को एक जिस्ट के तौर पर देखें सो बाई नेचर मैन एंड वीमेन हैव इक्ल मॉरल एंड इंटलैक्चुअल कैपबलिटीज़ ये बात करती हैं कि नेचर के द्वारा चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो दोनों के पास जो है इक्वल मॉरल और इंटेलैक्चुअल कैपेबिलिटीज़ होती हैं इक्वल गॉड गिफ्ट है ऑफ़ रीज़न लेकिन इनिटेट अगर हम बात करें जन्म से बात करें तो रीज़न जो है वो नीड करता है कल्टिवेशन का डेवलपमेंट का बाई प्रॉपर लर्निंग एंड एजुकेशन कहीं ना कहीं मैन जो है वो मोनोपोलाइज्ड है लर्निंग एंड डेवलप्ड दे आर सेंस ऑफ रीज़न बट डिनाइड द सेम टू वीमेन कहीं ना कहीं मैन जो है सेल्फ लर्निंग के थ्रू एजुकेशन के थ्रू जो अपने माइंड है उसको उसको विकसित जो है कर लेता है लेकिन वुमेन्स जो हैं वो नहीं कर पाती हैं ठीक है एंड रॉन्ग सोशल कंडीशनिंग की ये बात करती हैं फैक जो फैकल्टी है एजुकेशन की उसकी ये बात करती हैं हिंडर्ड करा जाता है विमेन्स को कल्टिवेट करा जाता है उनके रीजंस को दे डेवलप्ड फॉल्स कॉन्शियसनेस आइडेंटिटी वो जो है डेवलप कर देती हैं फॉल्स कॉन्शियसनेस अपने आइडेंटिटी को लेकर एक्सपेक्टेशंस को लेकर रोल एंड नीड एंड गोल दे बिकेम फैकल्टी पर्सन आप कह सकते हैं कि ये जो कि अनफिट हैं टू फुलफिल देयर ड्यूटीज़ इन बॉथ प्राइवेट एंड पब्लिक डोमेन्स जेंडर जो है जेंडर जो नोशन है वो मेस्कुलिटी का एंड फेमिनिटी का वो कोई नेचुरल नहीं है दे आर आर्टिफिशली क्रिएटेड एंड एंड स्टीरियोटाइप्ड बाय सोसाइटी एंड मेंटेन्ड बाय सोशियो कल्चरल कंडीशनिंग सोशल नॉर्म्स जैसे कि हैबिट्स एंड सोशल इंस्टीट्यूट्स जो सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं जो फीमेल मैनर्स हैं या जो फीमेल मैनर्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें जो टें जो टेंडरनेस की बात करते हैं डेलिकेसी की बात करते हैं ब्यूटी की बात करते हैं या फिर अगर हम अदर चीज़ें की बात करें तो यहाँ तक केवल सीमित रहती हैं महिलाएं जो हैं एंड हैव मेड वीमेन फीबल एंड डिपेंडेंट सब ऑर्डिनेटेड मैरिज एंड फैमिली जो है वो प्राइवेट एरेना है वे आर विमेंस आर डिनाइड लिबर्टी इक्वलिटी एंड एंड ट्रीटेड एज सर्वेंट एंड स्लेवन जो शादी है एंड फैमिली जो है वो एक प्राइवेट एरेना है जहाँ पर विमेंस जो हैं वो डिनाई करती हैं उनको डिनई करा जाता है लिबर्टी से इक्वलिटी से राइट से एंड ट्रीट करा जाता है एज सर्वेंट एंड स्लेव चिल्ड्रन माइनर सब ऑर्डिनेटेड सब्जेक्टेड सो so, इस प्रकार के थॉट्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पर कवर करने चाहिए एंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चंस यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं एनालाइज़ मेरी वॉल्स टॉन क्राफ्ट क्रिटिक ऑफ द प्राइवेट पब्लिक टाइक सो so, देखिए आप लोगों को बता दें जो कोई मेरीवाल क्राफ्ट थी वो पहली फेमिनिस्ट थिंकर थी जिन्होंने सबसे पहले डाइकोटॉमी को तोड़ने की कोशिश की बिटवीन द प्राइवेट डेट इज़ मैरिज एंड फैमिली एंड द पब्लिक दैट इज पॉलिटिकल अफेयर्स थ्रो हर रेडिकल एंड रैशनल आर्ग्यूमेंट्स इन लेट एटियन सेंचुरी इंग्लैंड सिंस बिगनिंग द फिलसफर सच एज एरिस्टोटल सेपरेटेड प्राइवेट फ्रॉम पब्लिक

लिबरलिज्म जो था वो प्रीमाइज था ऑन द पब्लिक प्राइवेट डाइकोटॉमी ठीक है डियर स्टूडेंट्स एंड प्राइवेट अफेयर्स या फिर आप कह सकते हैं प्राइवेट जो है किस प्रकार अफेक्ट करता है पब्लिक को ये यहाँ पर डिस्क्राइब करती हैं एंड पब्लिक जो है किस प्रकार अफेक्ट करता है प्राइवेट को ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है सॉरी सो देखिए जो इनक्वलिटी है वो डोमिनंस जो है वो सब जो सब्जेक्शन है मैरिज के अंदर फैमिली के अंदर वो जो है प्राइवेट डोमेन है जो कि करप्ट करता है नेचर को करैक्टर को बॉथ मैन एंड वीमेन को एंड स्टॉप दैम डेवलपिंग देयर सिविक वर्च्यूज़ एंड ड्यूटीज़ एज सिटीजन्स इन पब्लिक डोमेंस अगर हम बात करें पब्लिक किस प्रकार अफेक्ट करता है प्राइवेट को सो तो जो पब्लिक एजुकेशन है जो ट्रेनिंग है जो सोशलाइजेशन है जो डिटरमाइन करता, करता है जेंडर आइडेंटिटी को रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को राइट्स को एंड प्रिवलेज को मैरिज एंड फैमिली के अंदर वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सो इस प्रकार के पॉइंट्स के साथ आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि हाउ द प्राइवेट अफेक्ट द पब्लिक एंड हाउ पब्लिक अफेक्ट प्राइवेट एंड इन दंक्लूजन आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि हाउ द एडवोकेटेड द डायकोटॉमी जहां पर बात करनी है ओनली एन इक्वल जस्ट एंड वर्चुअस प्राइवेट कैन मेक इक्वल जस्ट एंड वर्चुअस पब्लिक देन इसके बाद है अकॉर्डिंग टू मैरी वाल स्टोन क्राफ्ट लिब्रेशन ऑफ वीमन इज टू बी फाउंड विद इन द होम एंड फैमिली क्रिटिकल एग्जाम इन द स्टेटमेंट यहाँ पर जो मेरी वर्ल्ड स्टोन क्राफ्ट कहती हैं कि जो लिब्रेशन है वीमेन का वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है केवल घर पर एंड फैमिली पर ये आपको क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए जो है डिस्कस करना है देन इसके बाद है अकॉर्डिंग टू मेरी वर्ल्ड स्टोन क्राफ्ट वॉट वॉर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वीमेन सब ऑर्डिनेशन वीमेन सब ऑर्डिनेशन के पीछे कौन कौन सी मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं तो जहाँ पर आपको पॉइंट्स जो हैं मैंशन करने चाहिए वो हैं रॉन्ग सोशियो कल्चरल कंडीशनिंग एंड सोशलिज़म सोशलाइजेशन ऑफ वीमेन दैन यहाँ पर जो फॉल्टी एजुकेशन है वीमेंस को जो दी जाती है वो भी यहाँ पर एक रीज़न है इंस्टीट्यूशन ऑफ पेट्रिया की एरिस्टोक्रेसी चर्च एंड क्लास हर कीज़ जो है आपको यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए प्री वेडिंग लॉज एंड रूल्स रिलेटेड टू मैरिज प्रॉपर्टी राइट्स एंड वोटिंग जो है ये भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए प्री वेडिंग एंड लिटरेचर नोवल एंड पोएम एंड स्टोरीज़ पेंटिंग्स एटसेट्रा की यहाँ पर जो बात है वो भी आपको यहाँ पर करनी चाहिए एंड लास्ट में कहते हैं कि वीमेंस भी खुद ना खुद डैम खुद भी हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि

डियर स्टूडेंट्स ये सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए क्विकली देखते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट जो कि है यूनिट थ्री लिबरल सोशलिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल में से किस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो so, देखिए ये जो यूनिट है इसके अंदर आपको लिबरल सोशलिस्ट जे एस मिल के थॉट्स को कवर करना है आपको कवर करना है इनके हेडोनिस्टिक प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को डिफरेंस विद अदर यूटिलिटेरियन जहाँ जहाँ पर हम जरे में बैंथम के जो यूटिलिटेरियन कंसेप्ट है वो उसके साथ हमको कंपेयर करना है लिबर्टी इनको चैंपियन ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है ये भी आप लोगों को डिस्कस करना है सफरेज एंड चेंज इन डेमोक्रेसी सफरेज यानी कि वोटिंग में किस प्रकार चेंज करना चाहिए डेमोक्रेसी में किस प्रकार चेंज करना चाहिए उनके क्या व्यू पॉइंट्स रहे हैं राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ ये जो माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है एंड किस प्रकार विमिन्स के साथ जो है सब जो है किया जाता है उनको उनका सब्जेक्शन किया जाता है ये भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है सो so, देखिए जो जे एस मिल थे वो एक लिबरल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे मिल जो थे वो एडवोकेट हैं इंडिविजुअल राइट्स के प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसीज एंड यूटिलिटेरियनिज्म के जो कि प्रमोट करते हैं एक्शंस डेट डू द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा द कंसेप्ट ऑफ हार्म प्रिंसिपल जो कि कहता है कि ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेम्बर ऑफ सिविलाइज कम्युनिटी अगेंस्ट हिज़ विल इज़ टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स इनका जो आइडिया है इनके जो वर्क है वो है एज अ ब्रिज बिटवीन द लेजिस्फेयर स्टेट एंड वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ये निगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी की भी बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग द आइडियल ऑफ टाइप ऑफ अ परफेक्ट गवर्नमेंट की ये बात करते हैं वुड बी द बॉथ डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ये प्रिस्क्राइब करते हैं एक प्लूरल वोट्स

रोबिंग ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर रेसिस की बात करते हैं अगर हम इनके मेन वर्क के बारे में बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी ऑन लिबर्टी कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट, यूटिलिटेरियनिज़म द सब्जेक्शन ऑफ विमेन्स ये जो है काफ़ी इनकी मोस्ट फेमस वर्क वर्क रहे हैं क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाएंगे कि डिस्कस जे एस मिल्स व्यूज ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पर ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है डिस्क्राइब करना है क्रिटिकली एनालाइज जे एस मिल्स डिफेंस ऑफ लिबर्टी जो डिफेंस ऑफ लिबर्टी लिबर्टी को किस प्रकार डिफेंस करते हैं प्रमोट करते हैं जे एस मिल ये आपको क्रिटिकल एग्जामिन करते हुए डिस्क्राइब करना है द नेक्स्ट है डिस्कस जे एस मिल्स आइडिया ऑन लिबर्टी लिबर्टिपन के क्या विचार हैं ये आप लोगों को डिस्कस करना है वट इज़ यूटिलिटेरियनिज़म यूटिलिटेरियनिज़म का क्या कंसेप्ट था जो कि द ग्रेटेस्ट गोल्ड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करता है एंड हाउ डज़ मिल ट्रांसफॉर्म द बेसिक आइडियाज़ ऑफ यूटिलिटेरियन फिलोसफी उन्होंने किस प्रकार मॉडिफाई करा यूटिलिटेरियन फिलोसफी के थॉट्स को आइडिया को ये भी आप लोगों को डिस्क्राइब करना है डिस्कस मिल एज एज लिबरल फेमुनिस्ट ऑन द बेसिस ऑन इज सब्जुगेशन ऑफ वीमेन ये भी आप लोगों को डिस्कस करना है अरनेस बारकर कॉल्ड जे एस मिल आ प्रोफेट ऑफ एम टी लिबर्टी डू यू एग्री एक्सप्लेन क्या आप ये मानते हैं कि जो मिल है वो एक प्रोफेट हैं एम टी लिबर्टी के जो अर्नेस्ट बार कर कहते हैं अगर हाँ तो ये आपको विद रीज़न जो है डिस्क्राइब करना है लगभग एक क्वेश्चन एंड एक शॉर्ट नोट इसके अंदर से डेफिनेटली पूछा जाता है हर साल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू सो नाउ डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आप लोगों की नेक्स्ट यूनिट यूनिट फोर रेडिकल्स जिसमें आपको हीगल की थॉट्स को कवर करना है कार्ल मार्क्स के थॉट्स को आप लोगों को समझना है सो देखिए रेडिकल्स में सबसे पहले आता है हीगल हीगल के जो थॉट्स हैं जो आइडियाज़ हैं जो विचार हैं वो आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करने हैं जहाँ पर आपको इथिकल लाइफ का जो कंसेप्ट है जिसके अंदर फैमिली सिविल सोसाइटी एंड स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं वो सभी के सभी थॉट्स आप लोगों को यहाँ पर कवर करने हैं आप लोगों को बता दें कि हीगल जो थे वो एक जर्मन फलासफ़र थे इन्होंने जो है मॉडर्न आइडलिज्म को जो है फाउंड किया इन्होंने डेवलप किया डायलिटिकल स्कीम जो कि इम्फेसाइज़ करती थी प्रोग्रेस ऑफ हिस्ट्री एंड ऑफ आइडियाज फ्रॉम टू थीसिसीसिस एंड दिहैंड टू अ सिंथेसाइज जो डायलेक्टिकल है जो मेथड है वो रिलाई करता था कॉन्ट्रेडिक्टी प्रोसेस पर बिटवीन अपोजिंग साइड्स ये कहते थे कि जो आइडिया है वो नेवर बी अंडरस्टूड विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट्स कॉन्ट्राडिक्शन कोई भी आइडिया तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक उनके बीच जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो आप समझ नहीं लेते हैं द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री वॉज अबाउट प्रोग्रेस एंड इट रिजल्टेड विच ह्यूमन काइंड वुड इन्वेंचुअली रीच द ग्रेटेस्ट आइडिया इनके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म है हैविंग द हाइएस्ट राइट ओवर द इंडिविजुअल हुज़ हाइएस्ट ड्यूटी इन हिज टू बी अ मेम्बर ऑफ द स्टेट स्टेट जो है वो एक मार्च ऑफ गॉड है ऑन अर्थ ये जो है इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है गिव एन अकाउंट ऑफ हीगल्स डायलैक्टिक मैथड जो उनका डायलेक्टिक मैथड था जो कि रिलाय करता था कॉन्ट्राडिक्ट्री प्रोसेस पर बिटवीन अपोजिंग साइड्स ये क्या था ये आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली जो है डिस्क्राइब करना है डिस्कस हीगल्स कंसेप्शन ऑफ़ द थल लाइफ जो इनका थकल लाइफ का कंसेप्ट है जिसके अंदर फैमिली सिविल सोसाइटी स्टेट के बारे में बात करते हैं ये आप लोगों को डिस्कस करना है क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ स्टेट फार्मुलेटेड बाई हीगल जो इनके थ्योरी ऑफ स्टेट है जो कि फार्मूलेट करी गई हीगल के द्वारा वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है क्रिटिकली एग्जामिन करते हुए आपको यहाँ पर मेंशन करनी है नेक्स्ट है डिस्कस हीगल्स कंसेप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी जो सिविल सोसाइटी का जो कंसेप्शन है जिसके ऊपर हम, हमने लगभग एक घंटे के आसपास की वीडियो जो अपलोड की हुई है उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे आप उसको ध्यानपूर्वक देखें एंड समझें इथिकल लाइफ का क्या कंसेप्ट है एंड uh, इसका आंसर जो है आप इजली जो है लिख पाएंगे हाउ इज़ सिविल सोसाइटी रिलेटेड टू फैमिली एंड स्टेट स्टेट एंड जो फैमिली है उससे किस प्रकार रिलेटेड है ये सिविल सोसाइटी का कंसेप्ट ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है डिस्कस हीगल्स हिस्टोरिकल डायलिटिकल जो उनका डायल्टिकल जो आइडलिज्म का कंसेप्ट है वो भी आपको डिस्कस करना है हीगर्ल्स कंसिडर द रेलम टू बी द रेलम ऑफ यूनिवर्सल अल्टोरिज्म ये जो टर्म है ये आपको एक्सप्लेन करनी है हर एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है लगभग एक क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा गया है पास्ट क्वेश्चन पेपर्स में भी एंड इस बार भी ये क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट भी इस यहाँ से पूछा जा सकता है सो फाइनली डियर स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं आप लोगों के सेकेंड एंड लास्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर के बारे में जो कि है पॉलिटिकल फिलोसोफर कार्ल मार्क्स यहाँ पर आपको कार्ल मार्क्स की फिलोसफी को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है काफ़ी अच्छे फ़िलोसफर हैं जो कि आप कह सकते हैं इनके जो डिफरेंस है विद अदर काइंड्स ऑफ मेट्रियज़म आप लोगों को डिस्कस करना है जो इनका कंसेप्शन है वैल्यूज़ को लेकर वो भी आपको डिस्कस करना है ये किस प्रकार कैपिटलिज्म को क्रिटिक करते हैं ये भी आपको डिस्कस करना है इन एविटिबिलिटी ऑफ स्ट्रगल की भी बात करते हैं ये एंड जो किस प्रकार यूटोपियन सोसाइटी की एस्टैब्लिशमेंट होगी ये जो बात करते हैं ये तमाम जो टॉपिक्स हैं ये आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस जो हैं करने चाहिए सबसे पहला आप लोगों को बता दें कि ये जो है एक इम्पोर्टेंट फिगर है डेवलपमेंट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में इन्होंने कन्वर्ट करा हीगल डायलेक्टिकल थ्योरी को ऑफ जो उनका आइडिया के जो थ्योरी थी उसको कन्वर्ट करा मेटेलिज़म पर मेटेरियल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ सोशल चेंज इंस्टीड ऑफ आइडिया ये बात करते हैं कि किसी भी चेंज के लिए आइडिया महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि जो जो मेटीरियल है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए किसी भी सोशल चेंज के लिए ये जो है थ्री लॉ ऑफ डायलिटिक्स की बात करते हैं जहाँ पर क्वान्टिटी चेंजेस इंटू क्वालिटी यानी कि जैसे वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है यूनिटी ऑफ अपोजिशन जहाँ पर डिस्पाइट क्लास कॉन्ट्रडिक्शंस टू क्लास एग्जिट स्मसली की बात करते हैं निगेशन ऑफ निगेशनस की बात करते हैं जहाँ पर सीड कन्वर्टेड इन टू प्लान्ट ठीक है एंड ह्यूमन सोसाइटीज़ डेवलप थ्रू क्लास बिटवीन बोर्जवासी यानी कि जो ऑनर्स हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के एंड प्रोलोटेरिएट हैं जो लेबरर्स हैं है, उनकी बात करते हैं कैपिटलिज्म की बात करते हैं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि रन्स कर होता है ऑन प्रॉफिट दे प्लेस वर्कर्स ओनली डेट मच अमाउंट विच इज़ सफिशेंट फॉर हिम टू लिव एंड कम बैक टू वर्क कैपिटलिस्ट डो नॉट शेयर देअ प्रॉफिट और सरप्लस विद वर्कर्स जहाँ पर जो कैपिटलिस्ट हैं वो शेयर नहीं करते हैं अपना जो प्रॉफिट होता है जो सरप्लस वैल्यू होती है उनको बिल्कुल शेयर नहीं करते हैं वर्कर्स के साथ उसको वो खुद रख लेते हैं वो जो हैं कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म को ये बिल्कुल क्रिटिक करते हैं द मूवमेंट वर्कर विल रियलाइज डैट दे आर बींग एक्सपलेटेड दैट इज़ वैन दे डेवलप क्लास कॉन्सियसनेस दे विल स्टार्ट रेवोल्यूशन एंड ये जो है कंसेप्ट एलिनेशन का भी इन्होंने दिया है जहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट डेट एर प्रॉपरली बिलोंग टुगेदर की बात करते हैं जैसे कि एलिनेशन जो है फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ इज लेबर एलिनेशन फ्रॉम सोसाइटी एंड अदर्स की बात करते हैं इनकी मेन रचना जो है वो है क्रिटिक ऑफ ईगल्स फलॉसफी ऑफ राइट एंड थीसीज ऑन फ्योबाग द पॉवर्टी ऑफ फिलासफी द एटेंथ ब्रोनाइज ऑफ लुइस बोनापार्टे एंड दास कैपिटल इनकी मोस्ट फेमस है मोस्ट नॉन इनकी क्रिएशन है एज कैपिटल द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी द क्रिटिक ऑफ द गोता प्रोग्राम कैपिटल दास कैपिटल वॉल्यूम टू कैपिटल दास कैपिटल वॉल्यूम थ्री एंड सो वन सो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार है एग्जामिन द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड एलिनेशन जो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है फ्रीडम एंड एलिनेशन की वो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है डिस्कस मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ रेवल्यूशन जो उनकी थ्योरी ऑफ रेवल्यूशन है वो आपको डिस्कस करनी है क्रिटिकली एग्जामिन मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टोरिकल मेटेलिज्म स्टोरिकल मेटेरिज्म आपको डिस्कस करना है एनालाइज मार्क्स व्यू ऑन द स्टेट स्टेट पर क्या उनके व्यू पॉइंट है वो आपको डिस्कस करनी है डिफाइन एलिनेशन आपको यहाँ पर एलिनेशन है वो डिस्क्राइब करना है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिनेशन एज आउटलाइन बाई मार्क्स जो भी मार्क्स के द्वारा डिस्क्राइब करे गए हैं एलिनेशन के टाइप्स वो आपको डिस्कस करने हैं हाउ कार मार्क्स मेटेरियलिज्म इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स टाइप ऑफ मेटेरियजम ये भी आपको लेबरेट करना है क्रिटिकली एनालाइज मार्क्स कंसेप्शन ऑफ फ्रीडम वाइज डायलिटिकल मैटेलिज्म एंड हाउ डज मार्क्स यूज द मेथड इन हिज एनलिस ऑफ हिस्ट्री द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिट्रटी एग्जिटिंग सोसाइटीज द हिस्ट्री ऑफ ट्रा स्ट्रगल की बात करते हैं डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ मार्क्स थियोरी ऑफ़ हिस्टोरिकल मेटेलिज्मिकल मैटेलिज्म के बेसिस पर आप लोगों का ये जो कोट है ये आपको डिस्क्राइब करना है इस प्रकार के क्वेश्चन हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द यूनिट जहां पर आपको हीगल के थॉट्स को कवर करना है एंड कार्ल मार्क्स के थॉट्स को आपको कवर करना है सो डियर स्टूडेंट्स लगभग दो क्वेश्चन जो है इस यूनिट के अंदर से पूछे जाते हैं शॉर्ट नॉट भी इसके अंदर से पूछा जाता है सो so, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आ सकते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चन को आंसर देने का जरूर प्रयास करें सो डियर स्टूडेंट्स डेट्स ऑल फॉर टुडे आई जस्ट होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग वेरी वेल वीडियो जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा अपने एग्जामिनेशन में बेहतर आंसर्स को लिखने के लिए आप लोगों से जस्ट रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर प्रयास करें अभी टाइम है आप अभी से ही इन क्वेश्चंस को आंसर देने का जरूर ट्राई करें सो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आई है थोड़ी बहुत भी आपको लगता है इस वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे किसी भी प्रकार का वीडियो आपसे मिस ना हो डियर स्टूडेंट्स हमने कुछ यहाँ पर लिंक्स जो हैं प्रोवाइड कराए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उन लिंक्स पर भी जाएँ जो प्ले दी है उस पर जाएँ एंड उन क्वेश्चन को भी आप जो हैं आंसर देने का ज़रूर प्रयास करें कंसेप्ट को समझने का जरूर प्रयास करें सो डियर स्टूडेंट्स अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज़ हैं कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो आप वाया कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके कर सेंड कर सकते हैं एज़ वेल एज़ आप हमें अपने जो क्वेरीज़ हैं उनको हमारे मेल एड्रेस पढ़ाई विद गुरु चेला एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर भी सेंड कर सकते हैं हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो कर कर भी अपनी क्वेरीज़ को वहाँ पर सेंड कर सकते हैं अभी तक आपने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो नहीं ज्वाइन किया है तो एज सुन एज पॉसिबल उसको ज्वाइन कर लें वहाँ पर जो स्टडी मटेरियल अवेलेबल है उसकी हेल्प से आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करें एंड उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है सो डियर स्टूडेंट्स इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट विश फॉर यूर एग्ज़ामिनेशन